joining us on this broadcast. Neeraj ji, कुछ घंटे पहले हमने देखा कैसे रिया चक्रवर्ती ने काफी सारे उन्होंने एक बात जाहिर कर दिया है. जब उनको वो प्लेटफॉर्म दिया गया उन्होंने ये कहा कि सुशांत ड्रग एडिक्ट थे. 2013 से उनको पता था कि सुशांत एक के डिप्रेसिव एपिसोड्स हुआ करते थे और उनको ये पता था. उन्होंने अपने आप को एक विक्टिम की तरह पेश आया और उन्होंने बार बार एक ही चीज फैमिली पे काफी सारे सवाल उठाए. आज सीबीआई उनसे सवाल पूछ रही है. आपके वो उनकी वो बातें सुन के आपके जहन में क्या सवाल आते हैं आज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज सीबीआई से पूछताछ होना था, इसलिए उन्होंने पहले ही एक किसी चैनल को मैनेज करके पूरा प्री प्लांट इंटरव्यू, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि प्री प्लांट मर्डर था, उसी तरह प्री प्लांट इंटरव्यू दिया गया. और इंटरव्यू में सारा कुछ स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि इसने सुशांत को का हत्या कराया और वो चीज दिख रहा है वहां पर उनका हंसी. वो एक तरफ कह रही है कि मैं सुशांत से प्यार करता था और दूसरी तरफ उसकी जो मुस्कुराहट है इंटरव्यू में वो पूरा क्लियर कर रहा है कि वो सुशांत से कितना प्यार करती थी. जिस मिशन में रिया लगी हुई थी कि सुशांत को मर्डर करके और एक मंजिल हम हासिल करेंगे, एक मुकाम हासिल करेंगे, एक मंजिल हासिल करने के बाद जो एक चेहरे पर प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिख रही है कि एक साजिश का जैसे उसने पूरा प्लान किया था, वो चीज अब स्पष्ट हो रही है. और हर कुछ हम समझते हैं कि जो भी आरोप वो लगाई है सारा आरोप जांच का विषय है. एक तरफ वो कह रही थी कि पिता से 5 साल से नहीं मिले और दूसरे तरफ मैं कह रहा हूं कि वो पिछले ही साल घर पे आया था, यहां पटना आया और उनके पिता, मैं, पूरा मेरा फैमिली, हम लोग सब लोग साथ गए, पटना से सहरसा गए, सहरसा से पूर्णिया गए, पूर्णिया से खगड़िया आए. वो 4 दिन का ट्रिप था और 4 दिन के ट्रिप ने उसमें बीच में इंटरफेयर करके लगातार सुशांत को फोन करके डिस्टर्ब करके उसे एक दिन पहले बुलाने का काम किया. तो ये तमाम चीजें स्पष्ट करती है कि कैसे बीच में वो फैमिली से उसको दूर करने का लगातार प्रयास कर रही थी. ये जो उसका साजिश था, हर साजिश का पर्दाफाश होते जा रहा है, वो पूरा मीडिया से घिर गई थी, इसलिए उसने मीडिया के माध्यम से ही अपना बचाव का रास्ता ढूंढा किसी चैनल में बैठ के. तो मीडिया में भी तो हर तरह के लोग है ना, मैनेज हो जाते हैं, तो मैनेज हो गए और मैनेज होकर के अपना उसने पक्ष रखने का काम किया है. कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि सीबीआई आज हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेगी बाहर, तो अपने बचाव का पूरा रास्ता ढूंढने का प्रयास की. ये इंटरव्यू तो पहले भी कर सकती थी, जिस समय घटना घटी उस समय मीडिया के सामने आके उनको बताना चाहिए था कि भाई उनको क्या लग रहा है, क्या था, क्या था, क्या बोल रही है. जी बिल्कुल नीरज जी, आप सुशांत के, जी आप सुशांत के भाई थे और आप 70 दिनों से ज्यादा आप उनके लिए लड़ रहे हैं. एक जस्टिस का जो कैंपेन है, आज पूरा देश आपके परिवार के साथ खड़ा है.